जिहड़े गुरद्वारा साहिब दे दर्शन करवाउण जा रहे हैं, इत्थे देश ते विदेशां दे उत्ते संगत आण के एक जहाज चढ़ाउंदी है। गुरद्वारा साहिब जी दे अंदर एयरपोर्ट है, श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्री एयरपोर्ट। महापुरशां दे स्थान ते संगतां आउंदियां ने, वो जहाज लै के आउंदियां, अणगिणत संगतां आउंदियां ने, गिणती तो बाहरियां हन। जो भी आउंदा है वो इत्थों बख्शिशां प्राप्त करके ही जांदा है। ਉੱਨੀ ਸੌ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਸਨ, ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਬਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਪਰ इस स्थान के उत्ते रंचक मात्र भी जिहड़ा नुकसान है वह नहीं होया। ਉੱਨੀ ਸੌ हिंदुस्तान की फौज वालों उदे ते बंब का हमला हो जाता, वह पाकिस्तान का जहाज सीगा। एकदम उदा पायलट जिहड़ा है छतरी दे राही वो थले उतर आउंदा है। इत्थों की फौज ने उत्थे खलोते इहनू पुछ लिया कि तू किस इरादे दे नाल इत्थे बंबार कर रहा सीगा। उन्हें आख्या भी एयरपोर्ट करके नक्शे दे मुताबक इत्थे एयरपोर्ट आ, पर हकीकत विच मैं जदों थले वेखदा सां मैनूं ते अथाह समुंदर नज़र आउंदा सीगा। सत श्री अकाल, पंजाबी नैशनल टीवी देख रहे दर्शकों का मैं प्रदीप अरोड़ा हार्दिक स्वागत करता हाँ। दोस्तों, असी इस समय मौजूद हाँ श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के विच। तुहानू दस दिए कि अज तुहानू जिहड़े गुरद्वारा साहिब दे दर्शन करवाउण जा रहे हैं, इत्थे देश ते विदेशां दे उत्ते संगत आण के एक जहाज चढ़ाउंदी है, जिस की भी चाहत हुंदी है कि मैं विदेशी धरती दे विच जाके PR अप्लाई करनी है या PR होना आ, वह इस गुरद्वारा साहिब दे विच एक जहाज चढ़ाउंदा है और बाबा जी उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। सो असी इस समय मौजूद हाँ गुरद्वारा संसर साहिब तप स्थान बाबा जवन सिंह जी। सो साडे नाल इस गुरद्वारा साहिब दे हड ग्रंथी भाई शरणजीत सिंह जी मौजूद आ, उन्हां नाल गलबात करांगे और उन्हां कोलों जानांगे कि इस गुरद्वारा साहिब का इतिहास की है। भाई साहब, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। फिर दोबारा समूह गुरु पंथ खालसा जी नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब, जिस तरह असी शुरुआत की है, जदों इस गुरद्वारा साहब दे विच लोग आउंदे, संगत आउंदी है, तो इत्थे जहाज चढ़ाउंदे आ, संगतां दा जो मनोकामना होंदी है इस गुरद्वारा साहब दे विचों पूरी होंदी है, इस गुरद्वारा साहब दा इतिहास की है? गुरु खालसा जी, धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे दर घर तों नवाजे हुए महापुरश, धन धन ब्रह्म ज्ञानी बाबा जवंत सिंह जी, गुरबाणी जी के वचन हैं, सोई संत जे भावै राम, संत गोबिंद कै एक है काम। संत वो है जिहड़ा वाहिगुरू परमात्मा नूं पा जांदा है। प्रवान होए संत हैं महापुरश बाबा जवंत सिंह जी, जिन्हां दा जन्म बहुत ही सत्कारयोग माता खीम कौर जी तिन्हां दी कुख तों, सत्कारयोग बाबा नत्था सिंह जी तिन्हां दे ग्रह विच पिंड भंगवा 1880 ईस्वी दे विच बाबा जी दा जन्म होया। बाबा जी दे उन्हां तों उम्र तों 5 साल वड्डे सन सरदार शेर सिंह जी, ये बाबा जी दे भरा सन। 7 साल दी उम्र विच बाबा जवंत सिंह जी दे सत्कारयोग पिता सरदार नत्था सिंह जी अकाल चलाना कर जांदे ने। माता खेम कौर जी बाबा जवंत सिंह जी अपने पुत्र नूं बड़े प्रेम दे नाल संसारी विद्या भी ते धार्मिक विद्या तों वी
जाणू करवाउंदे हन। स्कूल दे टीचरां दे कोल जा के कहना मेरे बच्चे नूं पढ़ा दिओ, उन्हां दे रोशन दिमाग नूं वेख के स्कूल दे टीचर भी बड़े प्यार सत्कार दे नाल लोड़ां पूरियां करके भी उन्हां नूं पढ़ाउंदे सन। पिंड दे ग्रंथी सिंह साहिबान उन्हां दे कोलों गुरमुखी विद्या हासिल कीती। पिंड दे विच जिहड़ा गुरद्वारा साहिब है बहुत वड्डा है, वह भी नींह जिहड़ी है वह बाबा जवंत सिंह जी ने रखी और बाबा जवंत सिंह जी ने ही उन्हां दी हयाती विच ही गुरद्वारा साहिब तैयार होया। महापुरश माता जी दे नाल रोजाना ही गुरद्वारा साहिब जाया करदे सन, गुरबाणी दे सहज पाठी सन, उच्च कोटी दे कीर्तनीय सन। कीर्तन का मतलब सचमुच उन्हां दी सुरत जिहड़ी सी वह गुरु शब्द नाल जुड़ी सी, उन्हां दा कीता होया कीर्तन जिहड़ा है वाहिगुरु दे दर ते प्रवान सीगा। 18 साल की उम्र विच नेक परिवार सरदार गंडा सिंह जी उन्हां दे सुपुत्री जिहड़ी है बीबी ईश्वर कौर जी, बीबी ईश्वर कौर जी का आनंद कारज बाबा जवंत सिंह जी दे नाल हुंदा जी, पिंड मरड़ जिला गुरदासपुर है। 18 साल की उम्र विच इस तों बाद बाबा जी दे सौरा साहब सरदार गंडा सिंह बाबा जी नूं दिल्ली पुलिस विच भर्ती करवा दिंदे हन। कुछ समा बाबा जी नौकरी करदे ने, एक समा जीवन दा इहो जिहा मोड़ आया पहले पातशाह श्री गुरु नानक साहब जी दा प्रकाश पुरब है ते महापुरश बाबा जवंत सिंह जी ने अपने ऑफिसरां दे कोलों छुट्टी मंगी। छुट्टी ना मिलण ते सुरत करके फिर भी बाबा जवंत सिंह जी ननकाणा साहब जी की धरती ते नतमस्तक होंदे हन। जेड़े उन्हां तो छोटे कलर्क हन उन्हां नूं मिलदे ने रसीद कटवाउण वास्ते, कड़ाह प्रसाद की देग वास्ते अपने कोलों पैसे देंदे हन। उही छोटा कलर्क अपने महकमे च जदों ड्यूटी ते जांदा है फिर जाके दसदा है, अफसर कहन लगे असां तां छुट्टी दित्ती नहीं, पर अगों उहदा जवाब सीगा कि मैं जवंत सिंह जी ने उस अस्थान ते दर्शन करदियां आप वेख्या, कड़ाह प्रसाद की देग करवाई है और मैं इस सेवा नूं निभाया होया है। उस तों बाद बाबा जवंत सिंह जी ने फिर वो नौकरी जिहड़ी त्याग दित्ती है। दिल्ली गुरद्वारा श्री सीस गंज साहिब जदों भी समा मिलदा सी गुरबाणी पढ़न की कीर्तन करन की हाजरी भरदे सन। एक विशेष गुरमत समागम बहुत भारी होया जिथे अमृत वेले बाबा जवंत सिंह जी ने आसा जी की वार का कीर्तन किया और इन्ना प्रभाव पिया पत्थर दिल भी जेड़े सन मोम की तरह सुरत जिहड़ी सी शब्द विच समूह संगत की एकाग्र हुई। पता लग चुका सी कि महापुरशा ने नौकरी छड़ दित्ती है, ठेकेदार सन सरदार बूटा सिंह रावलपिंडी दे, उन्होंने बाबा जवंत सिंह जी के चरणों च बेनती करके अपने नगर दे विच अपने ग्रह दे विच चरण पाउण वास्ते बेनती कीती। महापुरशा ने इत्थे आ के चरण पाए। इस तों बाद फिर बाबा जवंत सिंह जी फिरोजपुर की धरती ते आ जांदे हन। इत्थे बाबा आनंद सिंह जी दे नाल मिलाप हुंदा है, गुरबाणी दा होर खंडा खड़काया जांदा है, गुरबाणी दा अभ्यास बाबा जवंत सिंह जी दे मन विच एक सच्चा सुच्चा उत्तम फुरना पैदा होया। गुरु ग्रंथ साहिब जी तो ही गुरु नानक साहिब के दर्शन करने हैं, ये फुरना ये विचार बाबा आनंद सिंह जी दे नाल कीती। बाबा आनंद सिंह जी श्री गुरु अमरदास महाराज के बचन ने गुरमुख सौ कर दोस्ती सतगुर सौ लाए चित, जम्मण मरण का मूल कट्टी है तां सुख होवी मित। गुरमुख दे नाल दोस्ती है, मित्रता है, चित गुरु के दर्शनों वाले पासे नूं। बाबा आनंद सिंह जी कहन लगे भाई बाबा जवंत सिंह जी जिहड़ा कीर्तनिया सिंह है वह तो जो मंगे उ प्राप्त हो जाता है, तुसी गुरु नानक साहब के दर्शन मंग रहे हो तो गुरु ग्रंथ साहब दे गाड़ी अरदास करिए। साध संगत दोनों मिल के गुरु ग्रंथ साहब जी दे सन्मुख अरदास करनी, 5-7 दिन का नेम बन चुका सी प्रशादा तैयार करना। एको ही भावना सी भी गुरु नानक साहब तुसी छकाओगे तो छकना है। बाबा जवंत सिंह जी ने अरदास करनी, 7 दिन लंघ गए, ना किसी ने छकिया तो ना छकाया। जदों 7वां दिन आया बाबा जी कहन लगे बाबा आनंद सिंह जी नूं हुण तो शरीर छुट जाएगा, गुरु नानक साहब के दर्शन नहीं होणगे।
बाबा जवंत सिंह जी नूं बाबा आनंद सिंह जी फिर कहिंदे ने गुरमुख जनो बिरथी कदे ना होवे जानकी अरदास। ये कदे हो नहीं सकता। बाबा जवंत सिंह जी ने बड़ी भावना नाल फिर कीर्तन किया। शब्द सन बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास। आस लग जीवों चिर भयो दर्शन देखे, प्रगट गुरां की देह तो प्रतख दर्शन। श्री गुरु नानक साहिब महाराज जी दे कीते। गुरु साहब ने पूछा सी तुहाडी मंग की अगली, आख्या महाराज संगत दे विच जदों भी कीर्तन करिए ते संगत विचों तुहाडे दर्शन होवन, कीर्तन करिए ते तुहाडा मुबारक हाथ साडे सीस उत्ते होवे, कीर्तन करदियां तुहाडियां अमृत दियां शैबरां जिहड़ियां हन इंज जापे भी मुख विच अमृत गुरु नानक साहिब जी पा रहे हन। ये जड़ियां दातां सन, ये बख्शिशां जड़ियां सन, बाबा आनंद सिंह जी बाबा जवंत सिंह जीआं ने कठियां ही फिरोजपुर सारा गढ़ी गुरद्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विचों गुरु नानक साहिब महाराज जी तो प्राप्त कीतियां सन जी। हाँ जी भाई साहब, मैं ये जानना चाहुंदा तुहाडे कोल कि जो असीं सुनिया कि जद इत्थे 1971 की जंग हुंदी आ ते यां इत्थों दी जिहड़ी एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ जिहड़ियां हैगियां सी इत्थे ओह गुरद्वारा साहिब नूं चुकवाउणा चाहुंदियां सी, तां जद उत्ते पायलट आया तां उहनूं नीचे जिहड़ा आ ओह पाणी ही पाणी नज़र आउंदा सी। हाँ जी, बेनती इह है राजा सांसी दे कुझ गुरमुख प्यारे सन भाई साधु सिंह जी भाई रतन सिंह जी आदिक, इन्हां दीआं कुझ रिश्तेदारियां सन फिरोजपुर जी, उत्थों बाबा जवंत सिंह जी का कीर्तन सरवण कीता। मन में इच्छा पैदा हुई भी साढ़े भी नगर में आके कीर्तन करन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पुरब ते बाबा जी नूं बेनती की ना के कीर्तन किया। सरदारां दे ग्रह विच धी ते पुत्तर कोई नहीं सीगा, उन्हां अरदास करवाई, वाहिगुरू ने कृपा की, पुत्तर की दात प्राप्त हुई। उस तों बाद बाबा जवंत सिंह जी उन्हां दे फिर जदों पुत्तर की दात प्राप्त हुई तो सरदारां ने जिहड़ी एयरपोर्ट के अंदर जमीन आ ये बाबा जी के चरणों में भेटा की है। बाबा जवंत सिंह जी फिर इत्थे रहे सन। अज गुरद्वारा श्री संत सर साहिब जी है। जहाज़ां की गल है भी आम संगत जिहड़ी है वो जहाज लैके आउंदी है। वेखो कड़ाह प्रसाद की देग लियाउणी इह तां इक साडी मर्यादा है, जहाज तो साडे लियाउणी कोई मर्यादा नहीं, वो खड़ाउणे पर एक शरदा है, अकीदा है, भरोसा है, विश्वास है। महापुरशां दे स्थान ते संगतां आउंदियां ने, वो जहाज लैके आउंदियां, अणगिणत संगतां आउंदियां ने, गिणती तो बाहरियां हन, पर सतगुरु साहिब जी की अपार कृपा है जो भी आउंदा है वो इत्थों बख्शिशां प्राप्त करके ही जाता है। हाँ, गुरद्वारा साहिब जी के अंदर एयरपोर्ट है, श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्री एयरपोर्ट। 1971 विच जदों हिंदुस्तान ते पाकिस्तान की जंग हुई है, उस वक्त जिहड़े पाकिस्तान वालों हमलावर आए सन, हमला करते सन, एयरपोर्ट नूं केंद्री निशान बना के उन्होंने इत्थे बंबार की, बहुत बंब सुटे गए, पर इस स्थान के उत्ते रंचक मात्र भी जिहड़ा नुकसान है वह नहीं होया। जिहड़े बंब डिगे भी सन, अज भी जदों सानू लागे चागे नगरां दे विच कथा विचार करन वास्ते जाना पैंदा है, संगतां विच विचरीदा है, क्योंकि 1971 ते अज असीं 2022 विच आ, अजे शरीर करके बड़े गुरमुख प्यारे जिहड़े विचर रहे ने संसार विच, जो उस वक्त होया वापरिया सी उहदे बारे चंगी सोझी रख के वह सानू दसदे ने। कुछ लिखत विच भी है, कुछ उहनां दे दसण दे मुताबक भी है कि एक जहाज जिहड़ा सीगा हिंदुस्तान की फौज वल्लों उहदे ते बंब का हमला हो जांदा, उह पाकिस्तान का जहाज सीगा, एकदम उहदा पायलट जिहड़ा है छतरी दे राही वो थले उतर आउंदा है, तो जहाज जिहड़ा है वह हमले का शिकार होके जिहड़ा है उत्थे ही डिग पैंदा है। उस जख्मी हालत में पायलट नूं फड़िया जांदा है, तमाम पिंडा थावां दे लोग दौड़ दौड़ के उहदे लागे गए, तो जदों इत्थों दी फौज ने उत्थे खलोतिआं इहनूं पुछ लिया भी तूं किस इरादे दे नाल इत्थे बंबार कर रिहा सीगा, उन्हें आख्या भी एयरपोर्ट करके नक्शे दे मुताबक इत्थे एयरपोर्ट आ, पर हकीकत विच मैं जदों थले वेखदा सां मैनूं ते अथाह समुंदर नज़र आउंदा सीगा, इस करके मैनूं एयरपोर्ट नज़र नहीं सी आउंदा। ये भी एक बाबा जवंत सिंह जी की भगती की कला सीगी साध संगत,
जिहड़े बेअंत खतरियां तों आप हाथ दे के महापुरशां ने इत्थों दे लोकां नूं उन्हां दी रक्षा कीती है, ये उन्हां दी बंदगी दा नतीजा है जी। ऐसा जिहड़ा गुरद्वारा साहिब है तां फिर इहदा समां है कोई खुल्लण दा? रोज़ाना सोमवार तों लै के शनिश्चरवार तक अज दे समें मुताबक, कल नूं कोई बदल जावे तो पता नहीं जी, 5:30 तो 8:30 बजे तक रोज़ाना गुरद्वारा साहब जी का गेट खुलता, ऐतवार 5:30 तो 10 बजे तक, तो संगरांद वाले दिन 5:30 तो शाम के 4 बजे तक। 15 अगस्त 26 जनवरी 10-10 दिन लगातार ये गेट जिहड़ा है वो बंद हुंदा है जी। 18 हाड़ नूं महापुरश बाबा जवंत सिंह जी तिन्हां दा याद विच बहुत भारी गिणती विच सलाना जोड़ मेला हुंदा है, जिहड़ा 26 जून तो गेट खुलदा है ते 2 जुलाई तक 2 टाइम गेट खुलदा है, ते 2 जुलाई नूं सारी दिहाड़ी फिर लखां दी गिणती विच जिहड़ी संगत है वो महापुरशां दे अस्थान ते नतमस्तक हुंदी है, क्योंकि 18 हाड़ नूं बाबा जवंत सिंह जी ने अपना 5 भौतिक शरीर त्यागिया सीगा जी। हाँ जी भाई साहब, एड्रैस भी दस दिओ प्रोपर जेकर किसी ने दूर तो आना होवे तां। हाँ जी, श्री अमृतसर साहिब, बड़ा सीधा जिहा एड्रैस है जी, श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, तुसीं श्री अमृतसर साहिब जी तो आओगे अजनाला रोड, जिहड़ा कि श्री अमृतसर साहिब जी तो तकरीबन 11 किलोमीटर बनता जी, तो आप आ के किसी वक्त। हाँ, जरूरी बेनती यह है, गुरद्वारा साहिब जी के जे दर्शन करने वास्ते आना तो टाइम का पता दास के नंबर के मुताबिक कर लो, 7888-14028, ये मुताबिक तुसीं गुरद्वारा साहिब जी के टाइम का पता जिहड़ा कर सकते हो जी। हाँ जी, धन्यवाद जी। सो ये सन साडे नाल भाई शरणजीत सिंह जी, जिन्हां ने गुरद्वारा साहिब की तुहानू विस्थारपूर्वक जानकारी दी है। सो तुसीं पंजाबी नैशनल टीवी देख रहे सी, हलका रहसंसी तो प्रदीप अरोड़ा।